अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं इमरान पाशा और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं WBC। नाज़रीन, दोस्त हमेशा दोस्त के काम आता है और आपने कई बार ये सुना होगा कि दोस्त ने दोस्त के लिए जान दे दी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें दोस्त अपने दोस्त की लाश लेने पहुंचे हैं। जी हाँ, लाश। और ये लाश किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं है बल्कि पहाड़ों में, और उन पहाड़ों में जहां पर टनों सैकड़ों टन बर्फ जो है वो पड़ी हुई है, और वो उस बर्फ से अपने दोस्त को निकालने के लिए आ रहे हैं। और ये भी पता नहीं है कि वो दोस्त अब उसकी लाश मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किस हाल में मिलेगी। तो कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी तो नाज़रीन, कहानी शुरू होती है गुज़श्ता साल में, जब ऑस्ट्रेलिया के एक कोपैमा जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते थे और पहाड़ सर करते थे, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ी K2 के नाम से मशहूर है। दुनिया की दूसरी बड़ी माउंट एवरेस्ट के बाद ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ को कातल पहाड़ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंतहाई सख्त और इंतहाई तकलीफ दे मौसम सामने आता है देखने में आता है। और किसी भी वक्त मौसम इतना बिगड़ता है कि जो बड़े से बड़े कोपमा हैं वो भी वहाँ उसका सामना नहीं कर पाते। इसकी बड़ी मिसाल आपको वो सतपारा साहब की मिल जाएगी कि जो आपके सामने वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सबसे बड़े कोपमा थे, मगर इस पहाड़ को उन्होंने कई बार सर किया मगर इसकी बेरहम बर्फ ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो ये जो मैथ्यू ऑकिन नामी एक सयाह थे ऑस्ट्रेलिया के, ये गुज़श्ता साल यहाँ पे आए थे कोपैमाई के लिए, और उनका इरादा था कि वो K2 को सर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनका रابطہ जो है वो बेस कैंप से ख़त्म हो गया और उनके मरने की तस्दीक भी हो गई, मगर उनकी लाश कहाँ पे है, कैसे है, किस हालत में है, वो बहुत सारी सर्च टीमें उसके सर्च ऑपरेशंस किए गए, लेकिन ये इनकी लाश नहीं मिल सकी। तो एक साल गुजरने के बाद मैथ्यू के जो दोस्त हैं वो उनकी लाश निकालने का अज़्म लेकर पाकिस्तान में आ चुके हैं, और इस टीम में सबसे बड़े कोपैमा जो हैं वो एलेक्स टेक्सिगोन हैं, और ये स्पेनिश हैं, और इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी मैथ्यू के साथ। जब उनको इस खबर की मिली उनको इसके मरने की कि वो K2 पहाड़ के साथ जो बर्फ है उसमें बर्फानी तोड़े की जद में आकर फौत हो चुके हैं, तो उन्होंने एक टीम बनाई है उसके दोस्तों की जो कोपैमा हैं, और वो सारी टीम मिलकर अब पाकिस्तान पहुंच चुकी है और कोशिश करेगी कि वो अपने दोस्त की लाश को निकाल सके। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा वाकया बहुत कम देखने में आया है कि किसी दोस्त की लाश निकालने के लिए कोई इतनी दूर से आया हो, और ये तय है कि वहाँ का मौसम इस वक्त भी इंतहाई शदीद है। वहाँ पे बर्फबारी बेतहाशा हो चुकी है और अलर्ट्स हैं, और वहाँ पे वैसे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है बेस कैंप पे, तो उसके बावजूद ये लोग अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर पहुँच चुके हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनका एक ही अज़्म है कि वो किसी भी तरह अपने दोस्त की लाश को बर्फ़ के सुपुर्द करने पर तैयार नहीं है। वो हर हालत में अपने दोस्त की लाश निकालेंगे और उसके मुल्क लेके जाएंगे, उसके लिए खाओ ने अपनी जान भी देना पड़ी। तो जब WBC की तरफ से रابطہ किया गया इस टीम के साथ, तो उन्होंने अपने अज़्म का इजहार इस तरह से किया था कि उनका बिल्कुल वो मुतज़लज़ल नहीं है, उनके इरादे मुतज़लज़ल नहीं हैं, अगरचे उनके पास किसी किस्म की लोकेशन नहीं है मासवा इसके कि वो एक लोकेशन है जहाँ पे उनका आखिरी रابطہ टूटा था। तो उसके बाद वो कहाँ गए, किस हालत में रहे और कितनी देर जिंदा रहे, कितनी स्ट्रगल की होगी मैथ्यू ने, इस बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। तो वो एक अंदाजे के मुताबिक अब उसकी पूरी टीम जो है वो आएगी और मैथ्यू ऑकिन को निकालने की कोशिश करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की जो दोस्ती की मिसालें हैं, जो प्यार की मिसालें हैं, उनको बढ़ाने में और उनको आम करने में हमारा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया जी।